क्लार्क नहीं दिख रहा। हो सकता है वो अभी भी सो रहा हो। डैड, अभी मिली खबर के अनुसार क्लार्क के कुछ बड़े टुकड़े हमारे एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर सकते हैं। हाँ, और क्या चल रहा है? कोई बात नहीं, वही पुरानी कहानी। डैड, कहाँ जा रहे हैं वो? पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। पहला टुकड़ा टकराने वाला है। टकराने वाला है? बस एक छोटा सा हिस्सा, वो भी समंदर से। टू, कमाल है, जरा देखो तुझे। वन, हे, एक्सप्लोजन क्यों नहीं हुआ? ओह, हम आपको बता दें, ताजा मिली खबर के अनुसार कॉमेट का वो टुकड़ा टकराया है सेंट्रल फ्लोरिडा से। हे, क्या और भी कोई टुकड़ा हिट करने वाला है? कमान, जल्दी करो। डैड, आसपास में आग लगी है। दो दिन, उन्होंने सब गलत बताया उन टुकड़ों के बारे में। और भी टुकड़े हैं। स्पेस एजेंसीज ये मान रही है कि ये एक एक्सटेंशन लेवल इवेंट है। हम हमेशा साथ रहेंगे। ऑलराइट किरो, हमें किसी तरह सेफ जगह पहुंचना है। उन्होंने मिलिट्री फ्लाइट्स को ग्रीनलैंड जाते हुए ट्रैक किया है। ये हमारा आखिरी चांस है। नीचे हटो। पेरिमीटर ब्रीच, पेरिमीटर ब्रीच। हथियार नीचे करो, हथियार नीचे करो, जल्दी। एलिसन, एलिसन, एलिसन। डैड कहाँ है? हम उन्हें ढूंढ लेंगे, घबराओ मत। क्लार्क का सबसे बड़ा टुकड़ा 24 घंटे से भी कम वक्त में टकराने वाला है। मुझे अपनी बीवी और बच्चे को उस बंकर में ले जाना है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाएं, खुले में ना खड़े हों, तुरंत अंदर जाएं। क्या हुआ? यहाँ क्या हो रहा है? Oh my God! John, चलो! तुरंत संभल कर। तुरंत अंदर जाएं।